नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय पर डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा जिला पंचायत सचिव पंकज अग्रवाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें कोलकाता में हुए डॉक्टरों के साथ घटनाक्रम की घोर निंदा करते हुए कहा कि डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए एवं जमीनी स्तर पर भी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अधिक जोर दिया जाए। ज्ञापन में बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय के सभी सरकारी डॉक्टर शामिल हुए। सीनियर डॉक्टर्स के साथ हिंसा हुई है और उनको इतने अत्याधिक मारा गया है कि कुछ डॉक्टर्स तो बेहोशी हालत में अभी भी हैं, तो कुछ को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, स्टेट और लोकल विदिशा ब्रांच, ये प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से और गृहमंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर्स के ऊपर जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा को किस तरीके से रोका जाए, उसमें आगे आकर आप प्रयास करें। एक विरोध है जो डॉक्टर्स के विरोध, जो डॉक्टर्स के तरफ इतना हिंसावादी हो रहा है, तो ये हमारे लिए पूरा स्ट्रांग विरोध है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हम काम कर सकेंगे पेशेंट के साथ, और बिल्कुल हम चाहते हैं कि पूरी जनता हमारा सहयोग करे। अगर जनता को चाहिए कि डॉक्टर उनकी सेवा करे, तो जनता को भी बिल्कुल अपना सपोर्ट देना चाहिए डॉक्टर के लिए, ताकि वो काम अपना सुचारू रूप से कर सके। विदिशा से विजय गोवंशी की रिपोर्ट।